दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सोते समय हमारे दिमाग और शरीर के साथ क्या होता है? तो आज हम उन पांच चीजों के बारे में जानेंगे जो नींद में हमारे साथ होती है। फॉलिंग। आपने कई बार नींद से जागते समय ये महसूस किया होगा कि आप ऊंचाई से गिर रहे हैं। अक्सर लोग इसे सपना समझ लेते हैं, लेकिन ये कोई सपना नहीं होता, बल्कि ये एक फिजिकल सेंसेशन होता है जो लगभग हर किसी के साथ होता है। अक्सर ये चीज़ सोने के बाद अचानक से जागने पर होती है, क्योंकि आपके दिमाग तक पूरी तरह से ये सिग्नल नहीं पहुँचे होते हैं, जिस वजह से ये होता है। स्लीप पैरालिसिस। आप में से बहुत से लोगों ने नींद में पैरालिसिस की इस सिचुएशन को महसूस किया होगा। ये नींद की ऐसी हालत होती है जिसमें हमारा माइंड एक्टिव होता है और हम अपने होशोहवास में भी होते हैं, मगर फिर भी ना तो हम अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं और ना ही अपनी आंखें खोल पाते हैं। इस हालत में आपको सब सुनाई देता है, लेकिन उस समय सिर्फ आपका माइंड एक्टिव होता है, ना कि आपका शरीर। वैज्ञानिकों के मुताबिक दुनिया में 5 से 8% लोग ही हैं जो इस सेंसेशन को महसूस कर पाते हैं। स्लीप वॉकिंग। दुनिया में 1 से 15% लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, और ये बीमारी बहुत खतरनाक भी हो सकती है। USA में हर साल तकरीबन 30 लोग नींद में चलने की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। इस हालत में आपका दिमाग पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता, जिस वजह से वो शरीर को सिग्नल नहीं भेज पाता और व्यक्ति नींद में चलता है। स्लीप टॉकिंग। दुनिया में 10% लोग इस आदत का शिकार है। ये बिल्कुल पिछली आदत की तरह है। जिस तरह इंसान नींद में चलता है, उसी तरह से उसे नींद में बोलने की बुरी आदत हो सकती है। रात में सोते समय जिस चीज़ के बारे में आप बहुत सोच रहे हो या किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस हो, तो कुछ लोग नींद में बोलने लगते हैं। कुछ लोग नींद में उनसे जुड़े कुछ ऐसे राज बता देते हैं जो उन्होंने अब तक किसी के साथ शेयर नहीं किए। रिलीज ग्रोथ हार्मोन्स। सोते समय हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिस वजह से हम प्रॉपर ग्रोथ कर पाते हैं। जो लोग कम सोते हैं, खासकर बच्चे, उनकी ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा नींद करने वाले बच्चों के मुकाबले कम होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।